हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी लोगों के लिए अमचूर और पुदीना की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही आसानी से झटपट से तैयार हो जाती है और घर के ही बहुत कम सामान से ये बनकर तैयार हो जाती है। खाने में तो ये बेहद स्वादिष्ट होती ही है। आप इसे किसी भी तरह के स्नैक्स, दाल चावल, रोटी सब्जी किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पर हम ग्रीन चटनी का यूज करते हैं वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने थोड़े से सूखे हुए अमचूर ले लिए हैं। ये जो ड्राई मैंगो होते हैं इन्हें मैंने ले लिया है। इन्हें मैं अच्छे से धोकर इन्हें भिगोने के लिए रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे से दो तीन पानी धो लिया है और साफ पानी में इन्हें भिगोने के लिए रख लिया है। इन्हें कम से कम मैं आधा घंटा या एक घंटे के लिए भिगोंगी, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा गुनगुना पानी कर ले और इस पानी को इसमें ऐड करके आप भिगो ले, तो आपके ये 15 से 20 मिनट में भिगोकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर एक घंटा हो चुका है और हमारे अमचूर अच्छे तरह से भीगकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम चटनी बनाने की तैयारी कर लेंगे। मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और यहाँ पर मैंने एक कटोरी के आसपास पुदीना ले लिया है। इसको मैं इसमें ऐड कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कटोरी के आसपास धनिया ले ली है। यहाँ पर मैंने इनकी जो सॉफ्ट स्टेम होती हैं उनका यूज करा है, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। लेकिन आप चाहे तो इस स्टेम को हटा सकते हैं और चाहे तो जो सॉफ्ट स्टेम होती हैं उनका यूज करके भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको ऐड कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून के आसपास साबुत जीरा ले लिया है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद जो हमने यहाँ पर अमचूर भिगो के रखे थे इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। मैं इसका पानी भी इसमें ऐड करूंगी क्योंकि पीसने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको पानी के साथ इसे ऐड कर लिया है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने दो तीन तीखी हरी मिर्च का भी यूज किया है। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इन सभी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। चटनी को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसमें मैंने धीरे धीरे पानी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लिया है। आप इसमें जितना पानी ऐड करते जाएंगे ये इतनी ही गाढ़ी बनती जाएगी। तो अमचूर की जो चटनी होती है आप इसमें जितना पानी ऐड करेंगे उतनी ही स्मूथ बनेगी। तो आप कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले यहाँ पर। और अगर आपको अगर खट्टी चटनी पसंद है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, और अगर आपको थोड़ा खट्टी मीठी चटनी पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं। इसकी खट्टी मीठी चटनी भी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है, तो एक बार आप इस तरह से भी जरूर ट्राई करें। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा आप खट्टी चटनी की अलग कर दें और थोड़ी सी मात्रा में आप चीनी ऐड करके इन्हें बनाएं, तो आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पर हमारी अमचूर और पुदीने की चटनी बनकर तैयार है। अमचूर और पुदीने की चटनी की खासियत ये होती है कि हम इसमें जितना पानी ऐड करके इसको पीसते हैं ये उतनी ही गाढ़ी होती जाती है और खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होती है। तो इसे एक बार आप जरूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।